फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं को डिलीवरी के बाद पीरियड कब आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आए हैं, आई एम रियली सॉरी। मैं ट्राई करूंगी कि सभी के मैसेजेस के रिप्लाई हो जाए, बट ज्यादा मैसेजेस आने की वजह से कई बार मैसेजेस के रिप्लाई डिले हो जाते हैं, बट मैं ट्राई करूंगी कि सभी को रिप्लाई हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिलीवरी के बाद पीरियड कब आएगा? डिलीवरी के बाद पीरियड डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं या नहीं। अब ये इस पर डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि जो महिला है, जब वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं और जब बच्चा मदर निप्पल को सक करता है, उस टाइम पर महिला के शरीर से दूध बनाने वाले हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन के लिए। पर क्योंकि ये हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो बॉडी में मिल्क बनाने वाले हॉर्मोन्स का अमाउंट ज़्यादा है, उनका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी पीरियड्स लाने के लिए, पीरियड साइकिल के लिए, उनका अमाउंट कम हो जाता है क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी एक हॉर्मोन ज़्यादा है, कौन से, जो कि आपके बच्चे के लिए दूध बना रहे हैं। अब इसमें तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से? कि महिला दूध कैसे पिला रही है। तीन तरह से महिला दूध पिला सकती है। पहला, कि वो महिला बच्चे को अपना दूध पिला रही है और कम्प्लीटली अपना ही दूध पिला रही है, कोई भी और तरह का दूध, किसी भी और जानवर का दूध या डब्बे का दूध या किसी भी और तरह का दूध वो नहीं दे रही, वो एक्सक्लूसिवली बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, सिर्फ अपना दूध पिला रही है। तो जो महिला सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनके पीरियड्स कई बार एक एक साल तक नहीं आते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है जो ब्रेस्ट फीडिंग है। महिला का ओव्यूलेशन नहीं होगा, उसकी साइकिल नहीं आएगी और उसके पीरियड्स नहीं आएंगे। दूसरी कैटेगरी, वो महिलाएं जो बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं लेकिन रात के समय वो कई बार जो है बच्चा नहीं उठता है और सिर्फ दिन के समय ही वो अपना दूध पिलाती हैं बच्चे को। रात के समय उनका बच्चा लंबे समय तक सोता है तो वो ज़्यादा क्रैंकी नहीं होता, उनको वो दूध नहीं पिलाती हैं। या ऐसी महिलाएं जो बहुत बार जो है बच्चे को निप्पल को अपने ब्रेस्ट से ना टच करके ब्रेस्ट मिल्क को पंप करती हैं, इस तरह की महिलाओं में निप्पल स्टिमुलेशन उतना नहीं होता क्योंकि निप्पल स्टिमुलेशन होने के लिए बच्चा का जब लिप्स से बच्चे के निप्पल स्टिमुलेट होता है तो तब हॉर्मोन का अमाउंट ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इस तरह की महिलाओं में हो सकता है कि जो है 8 महीने 6 महीने के आसपास पीरियड्स आ जाए। अब थर्ड कैटेगरी की महिलाएं, वो महिलाएं जो बेसिकली डब्बे का दूध भी पिला रही हैं और बच्चे को अपना दूध भी पिला रही हैं, दोनों तरह का दूध पिला रही हैं। इस तरह की महिलाएं बच्चे को जब, क्योंकि डब्बे का दूध पिला रही हैं तो डेफिनेटली वो अपना दूध थोड़ा कम पिला रही हैं, तो उतना कम उनके में जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन वो कम बन रहा है, उतना ही कम स्टिमुलेशन हो रहा है क्योंकि बच्चा बार बार निप्पल नहीं में अपना लिप्स नहीं लगा रहा है तो निप्पल स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, तो फिर उतना ही कम अमाउंट में प्रोलैक्टिन है। अब क्योंकि प्रोलैक्टिन का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है तो पीरियड्स वाले हॉर्मोन्स जो है उनका अमाउंट बढ़ जाता है और पीरियड्स ऐसी महिलाओं में 1-1.5 महीना 3 महीने के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंडेंट है कि आप किस तरह से ब्रेस्ट फीड कर रही हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है, मतलब उन महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते हैं तो अगर वो उस टाइम पर रिलेशन में आती हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। लेकिन उस टाइम पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है कि आपको इस पूरे मंथ में प्रोलैक्टिन का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं था और उसकी वजह से पीरियड्स आने वाले हैं, और क्योंकि पीरियड्स आने के 15 दिन पहले ओव्यूलेशन हो गया होगा और अगर उस टाइम पर आप रिलेशन में आई होंगी तो आपको दोबारा प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी पर हैं और आप रिलेशन बना रही हैं और आप बच्चा नहीं चाहती हैं, वैसे भी प्रेगनेंसी के इतनी जल्दी बाद दूसरा बच्चा नहीं प्लान करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए, अदरवाइज आपको दोबारा भी प्रेगनेंसी रुक सकती है। सो आई होप ये जो वीडियो है उसमें आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि पीरियड कब आ सकते हैं और आपको जरूर अगर प्रेगनेंसी को नहीं दोबारा से रोकना है तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना है या फिर आपको कोई भी प्रोटेक्शन यूज करनी है, अदरवाइज प्रेगनेंसी दोबारा रुक सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।